हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे खोए वाली कुल्फी। जौन सी बाजार से मिलती है ना मटके वाली कुल्फी, बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं ये छोटी कटोरी बादाम और काजू, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये मैंने लिया एक कटोरी मावा, ये मैंने मावा घर पे ही बनाया है, इसकी वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगी। और एक कटोरी से थोड़ी कम ली है मैंने चीनी और एक लीटर लिया मैंने दूध। मैंने एक लीटर फुल क्रीम दूध लिया, ये मैंने कच्चा दूध लिया था, मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक बॉयल करेंगे। ये देखिए दूध हमारा उबल उबल के आधा रह गया, जौन सी साइडों पे मलाई है इसके बीच में डाल देनी है। अब इसके बीच में डालेंगे मावा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके बीच में डालेंगे केसर वाला दूध थोड़ा सा, इसके बीच में डालेंगे आधी कटोरी चीनी। चीनी आप कम ज्यादा कर सकते हो। दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया, इसके बीच में डालेंगे ड्राई फ्रूट, ये मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं, काजू। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और दूध भी हमारा बिल्कुल कम रह गया। गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुल्फी वाला दूध हमारा ठंडा हो गया, और ऐसे एक दही रिकने वाली लेंगे और इसको अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट वगैरह सारा मिक्स हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये कुल्फी का बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। कुल्फी वाली ऐसी ट्रे है आपके पास तो ट्रे में जमाएंगे, नहीं तो ऐसे कुल्फी वाले मोड़ आते हैं आप इसके बीच में भी जमा सकते हो। ये देखिए सारी ट्रे हमने भर दी है, अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे। अब इसको 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, या इसको ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। अब इसको फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए मैंने ओवरनाइट के लिए इनको फ्रिज में रखा था, ये मैंने अभी इनको निकाला। ये देखिए ये कितनी क्रीमी बनी है, आप इनको घर पर जरूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी बनती है। थैंक यू।